नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने YouTube चैनल रेल है तो देसे की एक और नई वीडियो में। आज हम आ गए हैं आपकी अपनी ट्रेन में दोस्तों, अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में यात्रा करने के लिए। और हमारे बीच में खड़ी अभी इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन, जिसका आप सभी लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको पूरी जर्नी जो है वो एकदम लाइव दिखाने वाले हैं इसमें। ये लगा यहाँ पर दोस्तों WDP 4D साबरमती का, और कोच एकदम LHB मिले, एकदम ब्रांड न्यू। चलिए बने रहिए हमारे साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ गए हैं अभी उदयपुर इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन में। कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो है दोस्तों डेकोरेशन की गई है। अभी असरवा रेलवे स्टेशन से आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। LHB ब्रांड न्यू जो कोच है वो यहाँ पर इसको दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके इंटीरियर के बारे में, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके का जो इसका इंटीरियर है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से बनाया गया है। और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो पूरी नया कोच ही दोस्तों इसको अलॉट हुआ है, और कितनी अच्छी तरीके से इसका जो कोच है वो दोस्तों लाइटिंग में आप लोग देख सकते हैं, सब किसी मामले में इसका जो कोच है वो यहाँ पर 10 out of 10 रेटिंग देने लायक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो LHB है वो काफ़ी शानदार है, और हर चीज़ आपको यहाँ पर साफ़ सुथरी ही दिखने वाली है। जो LHB रैक है वो एकदम ब्रांड न्यू है दोस्तों, और यहाँ पर हमारी जर्नी इसमें काफ़ी शानदार होने वाली है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा इसका वॉश बेसन, पानी वगैरह आपको सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। हाथ वगैरह भी काफ़ी आसानी से धो सकते हैं, मतलब कि पानी वगैरह सारी चीज़ें। अगर हम बात करें इसके टॉयलेट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा दोस्तों अंदर का इंटीरियर, काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा जो स्पेस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर दोस्तों जो हैंड का जो सैनिटाइज़र है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको पानी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये अभी एकदम साफ़ सुथरा है, और यहाँ पर आपको जो है फ्लश के लिए जो बटन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं दी हुई हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका डिपार्चर, और फिर आपको दिखाते हैं एक आधुनिक जर्नी। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोदी जी का जो है प्रचार जो प्रसार है काफ़ी धूमधाम से इस ट्रेन को लेकर के, इस रेलवे लाइन को लेकर के ख़ास तौर से यहाँ पर किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार अहमदाबाद यानी कि असरवा से हिम्मतनगर के रास्ते उदयपुर गेज परिवर्तन रेल लाइन लोकार्पण के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक यहां पर अभिनंदन किया गया है। और इतनी जो यहां पर भीड़ है, यहां पर अभी जो रेल मंत्री हैं वो यहां पर हमारे आ गए हैं, जो कि श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो आइए आपको हम और आगे एंजॉय कराते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि ये रूट फ़ायदे का सौदा है। अभी हम लोग इसमें सफ़र करने वाले हैं करीबन 300 किलोमीटर तक, जो कि असरवा से दोस्तों जाएगा सीधा हिम्मतनगर के रास्ते सीधा डूंगरपुर, और हम पहुंचने वाले हैं इससे ऑफिशियल जो इसका टाइम है वो है दोस्तों 11:05 का उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, और आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं बिल्कुल शानदार जर्नी। अब बस केवल इसके डिपार्चर का इंतजार रह गया है, तो हम मिलते हैं अब इसके सीधा डिपार्चर पर। दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी के आने का कैसे यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, और आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि जो रेल मिनिस्टर हैं और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ पर असरवा रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं।
दोस्तों देखते ही देखते हमारा यहाँ से असरवा रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ मोदी जी द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है और हमारा जो डिपार्चर है वो अभी आपके स्क्रीन के सामने है। किस प्रकार हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पर असरवा रेलवे स्टेशन से अपना जो पहला डिपार्चर है वो इस रूट पर लेने जा रही है, तो आप लोग भी इसका दोस्तों एंजॉय ज़रूर से लीजिए। साथ ही उदयपुर सिटी असरवा एक्सप्रेस की बात है कि हम सभी आज भारतीय रेल और गुजरात के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन पाए हैं। अंदर अरे वाह 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 अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। इस रूट की पहली ट्रेन धूल उड़ाते हुए चलते हुए कैसा लग रहा है आपको किशन भाई? बहुत शानदार भैया, मोदी जी को आज सामने से देखा है। अच्छा मोदी जी को आपने देखा, आपको कैसा लगा? मोदी जी को मैंने बड़े पास से पहली बार देखा है, हालांकि देखते तो रहते हैं, काफी सारी इनॉग्रल वो करते रहते हैं, लेकिन आज एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा अच्छा। वीडियो शूट करते टाइम भी ज्यादा ध्यान वीडियो के ऊपर नहीं बल्कि मोदी जी के ऊपर था हमारा। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी क्या राय है? मजा आ गया, लाइफ में पहली बार इतने करीब से देखा मोदी जी को, एक अलग ही एहसास था, मतलब मजा आ गया। यानी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पर। आपने देखा, आपको क्या एहसास हुआ? अरे भाई मजा आ भी गयो, अगर गुजराती में बोले तो बिल्कुल जबरदस्त फाड़ दिया मोदी जी ने। अरे यार भाई क्या बात कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, सबका यहाँ पर हमने रिव्यू लिया, काफी अच्छा लगा। दोस्तों जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं, हम पहुँच गए यहाँ पर नरोड़ा रेलवे स्टेशन। इतना ज़्यादा जो रस है वो यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। ये खड़ी हमारी गाड़ी एकदम डेकोरेटेड। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे स्टेशन पर। देखा कि दोस्तों भी जैसा कि अभी आपने देखा कि किस प्रकार हमारी जो गाड़ी का है वो यहाँ पर डिपार्चर हुआ था असरवा रेलवे स्टेशन से, उसके बाद में सरदार ग्राम में, और उसके बाद में अभी नरोड़ा रेलवे स्टेशन पर हमारा शानदार जो है वो अराइवल देखने को प्राप्त हुआ और शानदार जो डिपार्चर है वो यहाँ पर देखने को प्राप्त हुआ। और इसी बीच में सब यहाँ पर हर्ष और उल्लास से यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। ये सभी लोग जो हैं वो रेल फैन हैं, पीछे तक लेकर आप लोग दिखा सकते हैं एक बार, ये सभी लोग जो हैं वो इस ट्रेन को पूरी ये मान के चलिए कि अच्छी तरीके से विजिट करने के लिए आए हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको मिलते हैं अगले रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर हमारे साथ में आ गए हैं ट्रेन के ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर, वो क्या कहते हैं एग्जामिनर सर। सर आपका क्या विचार है, आज पहला जो उसका इनॉग्रल है रन है, तो आपको कैसा लग रहा है इस रूट पर? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो यानी कि आज आपकी इस रूट पर ये पहली सर्विस होने वाली है ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी। तो यानी कि जैसा कि यहाँ पर जनता में बना हुआ है इतना अच्छा जो यहाँ पर नज़ारे भी हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी प्रकार जो यहाँ पर स्टाफ है वो भी काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, कोऑपरेटिव भी है स्टाफ। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सर से बात करके, और यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो एकदम यहाँ पर कोऑपरेटिव हैं। जो अगर मैं बात करूँ स्टाफ की, तो थैंक यू सर आपने। जैसा कि अभी दोस्तों हमारे सामने हैं अभी इस ट्रेन के स्टाफ, यहाँ पर TTE साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अभी बात करने वाले हैं इस ट्रेन के स्टाफ से कि आखिर जो अभी इनकी जो फर्स्ट जो यहाँ पर ड्यूटी है इस ट्रेन में, जो कि उदयपुर स्पेशल जो ट्रेन है इनॉग्रेशन, उसमें इनको कैसा लग रहा है? हाँ सर आप बताइए। ये हमारे TS साहब है गाड़ी के। अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये जो भी सुविधा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से देश के सभी कोने को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक भगीरथ प्रयास का एक ये अंग है। पिछले करीब 12-13 साल से इस रूट में गेट कन्वर्जन का काम चलने के कारण ये रूट बंद था। आज एक लंबे अंतराल के बाद इस रूट के लोगों को असरवा से उदयपुर और आने वाले समय में काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिलने की प्रबल संभावना है। हमें बहुत ही हर्ष है कि देश धीरे धीरे हर जगह से कनेक्टिविटी से जुड़ता जा रहा है और आने वाले समय में देश के हर नागरिक को
किसी भी कोने से किसी भी कोने में पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा की ओर भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। तो सर मतलब कि ये बात एकदम अभी सही मतलब कि साबित हो जाएगी कि जो पश्चिम भारत है वो दक्षिण भारत से इस रूट के माध्यम से पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा या अपना संपर्क स्थापित कर लेगा, आपका इसके ऊपर क्या विचार है? आप तो पश्चिम से दक्षिण की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है देश की चारों दिशाएं एक दूसरे से बहुत ही कम समय में जुड़ जाएंगी और कहीं से भी कहीं पर भी आवागमन करने के लिए यात्रियों को अब विशेष असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमको अभी जो सर ने बताया वो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, और सर के जो विचार हैं वो काफ़ी सही लगे यहाँ पर कि मतलब कि जो रेलवे चाहता है आखिर वो चीज़ यहाँ पर इस ट्रेन से और इस रूट से पूर्ण रूप से यहाँ पर साबित हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा है, एक जो मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि जनता के हित का काम हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ ट्रेन के स्टाफ से कि उन्होंने हमारे साथ में कोऑपरेट किया। थैंक यू सर। धन्यवाद आप माननीय प्रधानमंत्री जी का कीजिए, रेल प्रशासन का कीजिए, हम तो प्रशासन के छोटे से कर्मचारी हैं। जिन्होंने भी इस कार्य के लिए भगीरथ प्रयास किया है वो सभी निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। हम लोग दोस्तों अभी आ गए हैं नंदोल रेलवे स्टेशन पर और ये इनॉग्रल का पता नहीं कौन सा हॉल्ट है, इतनी मस्ती हो रही है यहाँ पर, इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आप लोग एंजॉय करिए इस पूरी वीडियो को। फिलहाल अभी हमारी जो गाड़ी है उदयपुर इनॉग्रल स्पेशल वो पहुँच गई है नंदोल रेलवे स्टेशन फाइनली। चलिए आपको दिखाते हैं एक शानदार डिपार्चर। दोस्तों देखते ही देखते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं हिम्मत नगर रेलवे स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हैं एक शानदार जो अराइवल हमारा हो रहा है, स्वागत हो रहा है यहाँ पर दोस्तों असरवा उदयपुर इनॉग्रल स्पेशल का। हाँ हाँ हाँ, क्या ट्रैक साउंड आ रहा है यहाँ पर। यह है इस रूट का एक मेजर रेलवे स्टेशन जहाँ पर इसका हॉल्ट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों कितना स्वागत चल रहा है, कि शोर लोगों का जो है यहाँ तक गूंज रहा है। चलिए दोस्तों एक बार आगे चलते हैं, आपको आगे चल के दिखाते हैं क्या यहाँ पर तमाशा चल रहा है। दोस्तों ये देखिए हिम्मत नगर रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी का क्या शानदार आगमन हुआ है। गाड़ी की स्थिति अभी कुछ इस प्रकार की है कि माला वाला सब जो है हवा में उड़ के, ये देखिए दोस्तों हिम्मत नगर, यहाँ पर लग रहा है कोई मंत्री मंत्री है। यहाँ पर दोस्तों हिम्मत नगर के सांसद जी हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं। यहाँ पर कटारिया साहब हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने कोच की ओर। चलिए 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 चलिए, काफी शोर है यहाँ पर हिम्मत नगर में, जैसा कि यहाँ पर काफी भव्य हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पर स्वागत गाड़ी का सांसद जी उतरे, यानी कि वो ट्रेवल कर रहे थे आगे से, और अब हम फिर से ऑन बोर्ड होते हैं, मिलते हैं आपसे हिम्मत नगर के डिपार्चर पर। हमारे गाड़ी की दोस्तों हॉन्किंग है वो पूरी तरीके से हो गई है और सिग्नल है वो यहाँ पर मिल गया है। अब जो है यहाँ से प्रस्थान करने की बारी आ गई है हिम्मत नगर रेलवे स्टेशन से। चलिए
अब आपको दिखाते हैं एक शानदार डिपार्चर हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों असरवा में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है वो हमको यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छा खासा यहाँ पर स्वागत हुआ है हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है। हाँ सही कह रहे हैं, काफी लंबे समय बाद इंतजार किया गाड़ी का। हाँ बहुत समय के बाद इनको बड़ी गाड़ी देखने का बिल्कुल अवसर मिला है। 13-14 साल हो गए ना, साल हो गए हाँ। और इनको काफी खुशी है, मीडिया वगैरह सबको ही आया है अभी तो। यहाँ पर तो ये मान के चलो कि त्योहार से कम नहीं है आज का समय। वेस्टर्न रेलवे द्वारा एक अद्भुत कार्य किया गया है। हाँ बिल्कुल, हिम्मतनगर साबरकांठा लाइन में ब्रॉडगेज का रूपांतर करके हमारा एक शानदार जो है वो प्रस्थान हो चुका है हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से। ये कंट्रोल रूम है हिम्मतनगर का। अच्छा ये कंट्रोल रूम है हिम्मतनगर का। जैसा कि दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ जो एसी का कंपार्टमेंट है, और वहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ एक फैमिली के साथ में। अब मैं लेता हूँ इनसे एक छोटा सा रिव्यू कि आखिर उनको कैसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट इनॉग्रल है ट्रेन का, उसमें आखिर ये 13-14 साल बाद जो यहाँ पर बड़ी लाइन की जो ब्रॉडगेज की जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलाई गई है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर इनका क्या है इसके ऊपर विचार, बताइए सर आपका। हाँ भैया, हम मेरा नाम विंसेंट है, मेरी वाइफ है शीतल और मेरे मम्मी पापा। आज सुबह पता चला पापा को कि आज इनॉग्रेशन होने वाला है अहमदाबाद से उदयपुर का, जो एसी ट्रेन चालू होने वाला था वो। तो हम लोग पूरा फैमिली प्लान बनाए उदयपुर जाने के लिए, और उदयपुर जो है वो अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक, और आबू रोड है ये सब काफ़ी नज़दीक के हिल स्टेशन है, तो लोग बहुत घूमने जाते हैं। और उदयपुर का ऐसा था पहले कि वहाँ पर कोई ट्रेन का मार्ग नहीं था या स्टेशन नहीं था, सिर्फ लोग हाँ नहीं मोस्टली सब लोग हम जो भी यंगस्टर है, हम एडल्ट लोग हैं, जितने भी हम लोग थे वो सब जाते थे बस से जाते थे या तो खुद की कार से जाते थे, मीटर गेज से जाते थे। पर अभी जो नई अभी ट्रेन खुली है आज, तो उसकी वजह से अभी लोग का आना जाना बढ़ेगा अहमदाबाद से, या जो भी लोग आएंगे बाहर से उनके लिए आने जाने की सुविधा अभी अच्छी हो गई है, तो वहाँ पर उदयपुर में काफ़ी आने जाने में अच्छा रहेगा। और ट्रेन का आज पहला दिन है, और लकीली मेरी शादी के बाद शीतल के साथ मेरी वाइफ के साथ हम हनीमून करके जस्ट अभी आए थे, और वापस और एक मम्मी पापा के साथ जाने का अवसर मौका मिल गया है। तो बहुत ही एक लकी बोल सकते हैं कि एक लकी, हाँ ये लकीली हमारा एक प्लान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि ड्यूटी पे जा रहा था तो हाँ। बच्चों लोगों ने प्लान बना दिया, बोले पापा हम भी आपके साथ ड्यूटी चलेंगे। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी पहुंच गई है यहाँ पर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है सर्दी का भी यहाँ पर माहौल बरकरार है, और डूंगरपुर में काफी शानदार हमारा आगमन हुआ है। अरे लग रहा है अंदर चले जाओ, सेफ रहोगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर में काफी रस है, और लोग बाग जो हैं कितने ऊपर ऊपर तक यहाँ पर आ गए हैं। ये खड़ी हमारी गाड़ी, हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जाना काफी सही रहेगा, क्योंकि हमारी एसेसरीज भी है वो इसी के अंदर पड़ी है। फिलहाल डूंगरपुर से हम चलते हैं अंदर, और इस तरफ जो है 5 मिनट रुकेगा, इस तरफ जो है हमको क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, इस रूट की पहली क्रॉसिंग जो कि है उदयपुर सिटी असरवा, जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं। ये गाड़ी अभी उदयपुर से आ रही है, इसका भी शाम के समय जो है वो इनॉग्रल हुआ था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं भीड़, देखिए आप लोग कितनी भीड़ आई है यहां पर, अब तक की स्टेशनों में सबसे ज़्यादा भीड़ यहां पर है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितनी भीड़ हो गई है।
ऋषभ डूंगरपुर के प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की जनता है जो कि ट्रेनों को देखने के लिए इतनी उत्सुकता में, पूरा कोच जो अभी फिल हो गया था। और यहाँ से देखिए आप लोग पूरे रूप से जो है हमको क्रॉसिंग देखने को प्राप्त हो रही है। उदयपुर सिटी से असरवा के मध्य में जो अभी ट्रेन का जो इनॉग्रल हुआ था उसकी क्रॉसिंग यहाँ पर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर हो रही है, जो कि असरवा उदयपुर सिटी से है। दोस्तों अभी जो है फाइनली हमारा जो है डिपार्चर हो गया है डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से, और कितना शानदार लग रहा है अभी आपको रात का नज़ारा। काफ़ी जनप्रतिनिधि और काफ़ी क्षेत्र की जनता हमको यहाँ पर मिली और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी गाड़ी का जो है प्रस्थान इस रेलवे स्टेशन से हो रहा है। दोस्तों हम डूंगरपुर से आगे निकलने वाले हैं, डूंगरपुर असरवा के बीच में तो खूब ट्रैवल किया है लेकिन अब पहली बार। दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर सफ़र के दौरान हम लोग पहुँच गए हैं जावर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से बेहतरीन जो सेक्शन है वो शुरू होने वाला है, टनल्स आएंगी, ब्रिजेस आएंगे, आप सब लोग तैयार रहिएगा, सारी चीज़ें आपको हम लोग इस पूरे ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। दोस्तों अभी हम जैसा कि पहुंच गए हैं जावर रेलवे स्टेशन पर, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और काफ़ी गाड़ी जो है हमारी आधे घंटे से ज़्यादा दोस्तों अभी डिले चल रही है, तो देख सकते हैं काफ़ी शांति है। हॉन्किंग जो है वो हमारी जावर से हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर और उसके बाद में आपको दिखाते हैं जावर से एक शानदार डिपार्चर। और काफ़ी शानदार रेलवे लाइन है, चलिए हम लोग एंटर करते हैं ट्रेन के अंदर। ये देखिए जी जावर का एक शानदार डिपार्चर, जावर स्टेशन को भी शानदार किया है डेवलप। साला मेरा ही चालू हो गया। ये देखिए यहाँ लग रहा है प्रोग्राम वगैरह हुआ होगा, मंडप तो लगा है ना यहाँ उदयपुर के सांसद। अरे वो सीपी जोशी आए थे यहाँ। अच्छा यहाँ तक आए थे? हाँ सीपी तो आए थे। अच्छा अच्छा। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है जावर माइंस, जिसके नाम पर इस जगह का नाम, इस स्टेशन का नाम रखा गया। हाँ ये माइंस के नाम पर है ना, यही तक आ गया था। प्लांट है। मैं उस टाइम पे यहाँ तक आ गया था। ये जो है जावर प्लांट है, सीपीपी कॉम्पैक्टिव माइंस थोड़े आगे में। आगे में हाँ। चलिए आपसे मुलाकात करते हैं अब सीधे कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है ओडा ब्रिज को, जो कि इस रेलवे लाइन का सबसे बड़ा ब्रिज है, और आप लोग देख सकते हैं ओडा ब्रिज। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी चल रही है, इस रूट की सबसे लंबी टनल है, इसकी लंबाई कुल 800 मीटर के आसपास की है। आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यही वो तीसरे नंबर की टनल है जिसको बनाने में काफी लंबा समय लगा।
दोस्तों अभी हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं राजस्थान में स्वागत है। काफ़ी अच्छा इसका जो हुआ है एक इनॉग्रल रन, हमने इसको अहमदाबाद असरवा से बोर्ड किया था और उदयपुर अपने समय से पहुंच गए हैं दोस्तों। समय से लेट ही पहुँचे हैं, आधा घंटा डिले हो गई गाड़ी। और राजस्थान में जो है एक इसका आधी रात में काफ़ी शानदार अराइवल। दोस्तों ये रही हमारी असरवा उदयपुर स्पेशल एक्सप्रेस 09477। आप लोग देख सकते हैं लोकोमोटिव भी जो कि साबरमती का था, ये आया था। हम आपको उस वक्त दोस्तों नहीं दिखा सके थे, लेकिन अभी आपको हम लोग वीडियो के एंड में दिखा रहे हैं कि आखिर जिस लोकोमोटिव ने हमको सेवा यहाँ पर दी है वो लोकोमोटिव कैसा है, देख लीजिए दोस्तों आप लोग। असरवा उदयपुर एक्सप्रेस दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और हमारा जो है बिल्कुल जो मान के चलिए कि आधे से पौने घंटे ये गाड़ी जो है वो लेट आई अपने पहले दिन इनॉग्रल पर। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर से बताना। ये थी आपकी अपनी ट्रेन उदय जो कि अहमदाबाद के असरवा से उदयपुर सिटी के मध्य में चलाई गई है। कैसी लगी आपको ये पूरी जर्नी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, ऐसी ही तमाम जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।